हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में एक्सप्रेशंस एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। उसमें हम लोग आज क्या करेंगे वो जानते हैं। वो ये कि जो पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज मैथमेटिक्स से क्लास सेवेंथ का, उसमें जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। हमने लेवल वन के क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं और अब हमारी बारी है ऐसे टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त को बर्बाद करे हम लोग शुरू करते हैं। क्या ऐसे टाइप क्वेश्चंस किससे? पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज मैथमेटिक्स जो है उसमें एक्सप्रेशंस एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स जो चैप्टर टू में आता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 से शुरू हो रहा है मेरे पियर्सन के एडिशन के अकॉर्डिंग। अगर आपकी बुक में कुछ अलग है तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन में नोट करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3a प्लस 4b एंड 3a माइनस 4b। ठीक है, एंड वेरीफाई इट when a is equal to minus 1 and b is equal to 1। ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसको पहले आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है। दैट मीन्स क्वेश्चन में कह रहा है 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b क्या होगा। अगर ये नहीं पता है आपको तो ये आपको याद रखना है। क्या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसको आप अगर इसका प्रोडक्ट निकाल के देखिएगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको हम एक आइडेंटिटी भी कहते हैं। ये आपको याद हो जाना चाहिए। जिसको नहीं आता है वो अलग से इसको जानने की कोशिश करें। तो क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। ये होगा x, x कितना है 3a, उसका स्क्वायर 3a प्लस 4b, 3a माइनस 4b, x प्लस y इंटू x माइनस y माइनस 4b का होल स्क्वायर। बेसिकली क्या हो रहा है, x x माइनस y से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस y भी x माइनस y से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ आ रही है? दैट मीन्स कि 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट हो गया। आपको वेरीफाई करना है a का वैल्यू माइनस 1 और b का वैल्यू प्लस 1 पुट करके दोनों बराबर है कि नहीं। तो वेरिफिकेशन के लिए a का वैल्यू कितना पुट करेंगे बताइए, माइनस 1 और b का वैल्यू प्लस 1। ठीक है, फिर क्या होगा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू प्लस 1, 9 इंटू ए का वैल्यू माइनस 1 उसका स्क्वायर माइनस 16 1 का स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा बताइए, माइनस 3 प्लस 4। ठीक, यहाँ क्या होगा, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, 9 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 16 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 4 में 3 या 1 माइनस 4 माइनस 3 कितना होगा माइनस 7, 9 इंटू 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा माइनस 7 बराबर माइनस 7। ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, इतना आप नोट डाउन कर लें। चलिए, उतार लिए होंगे। अगर आप नहीं उतार पा रहे हैं, वक्त नहीं उतना दिए हम, तो आप पॉज करके कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगर आपको समझ आ रहा है तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। उससे मैं इंस्पायर होके और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता हूँ और ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 ये कह रहा है, इफ़ x प्लस 1 ओवर 2x इज इक्वल टू 4 देन फाइंड x पे पावर 2 प्लस 1 ओवर 4x स्क्वायर। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कह रहा है तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या ए लिखते हैं चूंकि एक्स वाई इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का एक अलग तरीके से इस्तेमाल होगा। नहीं आता है तो आप इसको कैसे जानेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपको आइडेंटिटी याद रखना है। अब देखिए, हमारे पास जो गिवन है वो है एक्स प्लस 1 ओवर 2x इज इक्वल टू 4। ठीक, हमने क्या किया, हमने लेफ्ट साइड भी स्क्वायर किया
और राइट साइड भी स्क्वायर किया। आप ये बताएं कि मैं अगर यहाँ पे 5 लिखता हूँ और ये 5 इधर भी स्क्वायर करूँ इधर भी स्क्वायर करूँ 25 हो जाएगा 25 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करने से जो इक्वालिटी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 × x × 1/2x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये कितना हो जाएगा x x कैंसिल 2 कैंसिल तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x² 16 प्लस 1 उस पार जाएगा तो माइनस 1, तो क्या हो जाएगा बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x² 16 में 1 गया कितना होगा 15, द आंसर इज 15। ठीक है, उतार लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। ये सब आइडेंटिटीज़ अगर आपको नहीं आता है तो बताएं, मैं अलग से थ्योरी के लिए इसको रिकॉर्ड कर दूंगा अगर आपको नहीं पता है तो। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशंस एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। आपको पता होगा एक्सप्रेशंस में क्या क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्स वेरिएबल है, 2 कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है। ये सब बात आप तो जानते होंगे, तभी तो ऐसे टाइप क्वेश्चंस आप करने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ 5x − 1/2x इज इक्वल टू 3। अब क्या कह रहा है, देन फाइंड 25x² प्लस 1/4x², ठीक है, ये चाहिए। तो क्या करेंगे बाबू सब, जो भी करना है करेंगे। इसमें क्या होगा बताइए, इसमें जो हम लोग फार्मूला या आइडेंटिटी इस्तेमाल करने वाले हैं वो है a − b का होल स्क्वायर। नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए a² − 2ab + b², ये आइडेंटिटी आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखिए 5x − 1/2x इज इक्वल टू 3। अब क्या होगा, हमने इसको लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर किया और राइट साइड में भी स्क्वायर किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए a² = 5x² − 2ab 2 × 5x × 1/2x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। x x कैंसिल 2 कैंसिल दैट इज 25x² − 5 प्लस 1² 2² 4x² इज इक्वल टू 9। तो क्या हो जाएगा 25x² प्लस 1/4x² 9 प्लस 5 माइनस 5 उस पार लेके चले गए, यही तो चाहिए था। तो क्या निकल के आएगा बताइए 25x² प्लस 1/4x² इज इक्वल टू 14। तो आपका आंसर कितना आ गया 14। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, इसको आप अच्छे से करें नोट डाउन। समझे बच्चों, बहुत अच्छे, उतार लिए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि इफ ए प्लस 1/a इज इक्वल टू 6, इफ ए प्लस 1/a इक्वल टू 6 देन फाइंड a4 1 + 1/a4। ये चाहिए, देखिए क्या गिवन है, यहाँ तक क्वेश्चन गिवन है a + 1/a इज इक्वल टू 6। तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर किया और राइट साइड में भी स्क्वायरिंग किया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने बताया x + y का होल स्क्वायर, x² + 2xy + y² अभी ना जाना हम लोगों ने, इज इक्वल टू क्या होगा 36, a कैंसिल। अब क्या होगा a² + 2 + 1² 1 √a² = 36 दैट इज a² + 1/a² = 36 −2। तो क्या हो जाएगा बताइए a² + 1/a² 36 −2 कितना हो जाएगा 34। अब इसको अगर फर्दर हम क्या करें, एक बार और स्क्वायरिंग करें, लेफ्ट साइड में भी स्क्वायर किए और राइट साइड में भी स्क्वायर किए। अब 34 का स्क्वायर कितना होगा अलग से कर लेते हैं, 34 34 4 6 3 4 3 12
तीन पंद्रह, चार चौदह तीन, चार चार बारह, तीन पंद्रह, चार दो पंद्रह दस, छः पाँच सात एक एक, 1176। तो क्या हो जाए अगर मैंने सही करा तो 34 into 34 करके देखना पड़ेगा। चार चौक 16 का चाह हासिल एक, चार ते 12 एक 13, गलत हो गया था, 6 3 2 5 एक एक 1156। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 into x into y प्लस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1157 56। क्या हो जाएगा स्क्वायर का, इसका 4 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल प्लस 2 प्लस 1 over a power 4 इज इक्वल 1156। तो चाहिए a 4 प्लस 1 over a 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2 दैट इज 1154। कितना आ गया 1154। तो यहाँ पे दो दो बार हमें स्क्वायर करने की आवश्यकता पड़ी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, इतना उतार लीजिए आप आराम आराम से। चलिए उतार लिए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, डिवाइड ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 बाई ए माइनस बी, बाई ए माइनस बी एंड फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, एंड फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। इसको दो तरीके से हम लोग जान सकते हैं। एक पहला तरीका क्या है, सिंपल सा, ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4 बटे ए माइनस बी। जानते हैं कि ए पे पावर 4 को ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं बटे ए माइनस बी। अब आप देखिए, ये तो जानते होंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी हम लोगों ने जाना कि एक्स प्लस वाई इंटू क्या होता है, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे ये वाला जो आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, x क्या है ए स्क्वायर, y क्या है बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए माइनस बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो गया कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए किससे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, प्लस बी किससे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। पूरी तरह कट गया, मतलब रिमाइंडर कितना होगा 0। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मेरी बात समझ आ रही है, तो ये है कहानी। और रिमाइंडर कितना, ये तो हो गया कोशेंट, और रिमाइंडर कितना होगा बताइए 0, क्योंकि पूरी तरह कैंसिल हो गया। ये तो तरीका हो गया हमने आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके किया। और आपको अगर डिवीज़न का जो तरीका है उस तरीके के हिसाब से अगर बात करनी है तो हम लोग बात करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाएंगे, डिवीज़न के तरीके से डिवाइड करते हैं हम लोग एकदम नॉर्मल तरीके से, ठीक है। ये अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा हो जाएगा ए माइनस बी क्या होगा, ए फोर बी फोर, ए है तो ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए पे पावर 4 हो जाएगा माइनस बी इंटू ए क्यूब माइनस बी ए क्यूब। ऐसे ही करते हैं, इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, इस पूरे को घटा रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ x प्लस वाई और इधर x माइनस वाई, घटाएंगे तो ये क्या होगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ऐसे ही हो रहा है। ए फोर ए फोर कैंसिल, तो क्या बचेगा बताइए, माइनस बी पे पावर 4 प्लस बी ए क्यूब। यहाँ माइनस बी 4 है और आपको देखना है यहाँ b है माइनस बी, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस बी 4 हो जाएगा। या बी ए क्यूब को आप पहले लिखिए, आपको थोड़ा आसान लगेगा, प्लस बी ए क्यूब पहले लिखते हैं, बी ए क्यूब माइनस बी पे पावर 4। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ a है, a क्यूब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस ए स्क्वायर, फिर b भी मल्टीप्लाइड है तो b से मल्टीप्लाई करते हैं, बी ए स्क्वायर इंटू a क्या हो जाएगा, बी ए क्यूब माइनस b, और बी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस प्लस ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी पे पावर 4। इतनी बात
उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। फिर क्या होगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, अब यहाँ ए है तो कितना से मल्टीप्लाई करें, प्लस ए स्क्वायर है तो ए चाहिए और साथ में क्या चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर तो है ही, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर दैट इज बी क्यूब हो जाएगा, माइनस बी क्यूब, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। ये तरीका आपको समझ आ रहा है कि नहीं, टफ हो सकता है आपके लिए। फिर क्या बचेगा बताइए, बी क्यूब ए माइनस बी पे पावर फोर, ये बचा। अब क्या होगा, यहाँ पे ए है, यहाँ बी ए बी क्यूब है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी क्यूब से, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी क्यूब, क्या हो जाएगा, बी क्यूब ए और बी इंटू बी क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस बी पे पावर फोर, माइनस प्लस ये कैंसिल, ये कैंसिल, जीरो आ गया। दैट मीन्स रिमाइंडर तो जीरो आया बट क्वेश्चेंट वो आया जो इससे पहले आपने देखा था। तो आपके पास दो तरीके हो गए जिन तरीके से आप डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन वो वाला तरीका तभी अप्लीकेबल होगा जब रिमाइंडर जीरो होगा और आपको आइडेंटिटीज वगैरह उसको एक्सपेंड करना वगैरह करना, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना आना चाहिए, वरना नहीं कर सकते। और आपको डिवीजन नहीं आता है तो आपको वो ठीक से समझना पड़ेगा, तभी इस तरह के डिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में भी, 71 में भी डिवीजन ही है, तो मैं करता हूँ और आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन 71 का, डिवाइड 4x क्यूब, डिवाइड 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 बाई 2x प्लस 3 एंड वेरीफाई द डिवीजन रूल, एंड वेरीफाई द डिवीजन रूल। अब डिवीजन रूल क्या है आप तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं तो आपको डिस्कस कर दूंगा। देखिए 2x प्लस 3 आपका डिवाइजर है, 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 ये आपका क्वेश्चन है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इसको कहते हैं ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स उसमें सारे के सारे पावर क्या हों, होल नंबर्स हों। अगर ये नहीं जानते हैं तो आपको जानना पड़ेगा। देखिए 2 है यहाँ 4 है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको कितना से, 2 से, x है x क्यूब है, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टू 4 x क्यूब प्लस 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल, 8 में 6 गया कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। अब देखिए 2x स्क्वायर है, 2x है, 2 2 तो कोई इशू नहीं है, x से x स्क्वायर करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x कैंसिल, ये माइनस 9 माइनस 3 कितना, माइनस 12x प्लस 6। अब देखिए 2 है यहाँ पे 12 है तो क्या होगा, माइनस 6, ठीक है, माइनस 12x प्लस माइनस 6 क्या हो जाएगा, 18, ठीक है, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो क्या ये कैंसिल, 18 से कितना हो गया 24, 24 आपका क्या आ गया, रिमाइंडर। आप जानते होंगे सिंपल सी बात, जैसे 2 से 7 को डिवाइड करो, 2 3 6, 7 में 6 गए 1, तो ये 7 बराबर क्या हो गया 2 इंटू 3 प्लस 1, ये आपका डिवीजन रूल है। इस रूल के हिसाब से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि इतना बराबर इतना इंटू इतना प्लस इतना आना चाहिए। तो हम देखेंगे 2x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस 24 इतना आना चाहिए, तो करके देख लेते हैं, 2x इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस 24 दैट इज दो दुना 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6 दुना 12x प्लस 3 दुना 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4x क्यूब आना शुरू हो गया, 2 और 6 प्लस 8x स्क्वायर ये भी हो गया माइनस 12x प्लस 3x दैट इज 3 में 12 गया माइनस 9x 24 में 18 गया प्लस 6 बिल्कुल सही आया। दैट इज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग हमने जो रिजल्ट्स निकाले हैं वो बिल्कुल सही सही वेरीफाई हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है बाबू सब। चलिए 71 हो गया, अब 72 की तरफ रवाना होते हैं, उसको भी हम दो तरीके से जानेंगे। 72 क्या कह रहा है, डिवाइड, क्या कह रहा है, डिवाइड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स प्लस 1 एंड वेरीफाई द डिवीजन रूल, सेम क्वेश्चन, एंड वेरीफाई द डिवीजन रूल।
पहली बात, अगर सिर्फ डिवाइड करना हो तो आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फार्मूला याद कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स प्लस वन, वाई क्यूब है क्या, सॉरी एक्स प्लस वाई है यहाँ पे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई। ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका कोशियंट और रिमाइंडर हो गया ज़ीरो। ठीक है, अगर आपको डिवीज़न के अकॉर्डिंग करना है तो कोई बात नहीं, एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा, देखिए वाई क्यूब माइनस वाई एक्स स्क्वायर, अब वाई क्यूब लाने के लिए वाई है यहाँ पे, वाई क्यूब है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई स्क्वायर, पहले वाई इंटू वाई स्क्वायर क्या कर लेते हैं, वाई क्यूब एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाएगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब कितना से मल्टीप्लाई करें, एक्स है और यहाँ एक्स है, एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ वाई नहीं है तो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई एक्स से मल्टीप्लाई अगर करें माइनस वाई एक्स है, क्योंकि यहाँ माइनस लाना है, माइनस वाई एक्स इंटू एक्स माइनस वाई एक्स इंटू एक्स क्या होगा, माइनस वाई एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर दैट इज माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस कैंसिल, कितना आ जाएगा ज़ीरो। ठीक है, दैट मीन्स इतना इंटू इतना प्लस ज़ीरो बराबर इतना आना चाहिए, करके बता देते हैं, दैट इज एक्स प्लस वाई, अब वेरिफिकेशन अगर करें, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स या माइनस एक्स वाई जो कि पहले भी आया था हमारा, प्लस ज़ीरो बराबर क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए, अब इसको मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसको सॉल्व करना है तो मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अल्टर फल्टर हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब माइनस वाई इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, वाई एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, बस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो कि आपका आना चाहिए था, ये वाला वेरीफाई हो गया। टफ लगे तो आप ज़रूर बताएं, मैं आपके टफनेस को ठीक ठाक करने की कोशिश करूँगा कि और कितना आसान तरीके से मैं बता सकूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 73 से 75 तक क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसको भी कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, 4x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 12x। फैक्टराइज का मतलब ये है, इसको बोला है फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज का मतलब ये है कि आपको इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, देखिए 4, 8, 12 में 4 तो हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3xy, ठीक है ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर, आप बाद में सीखिएगा, देखिए 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 इंटू 1 2 और 2 प्लस 1 3 होता है, इस मेथड का इस्तेमाल करके हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 2xy प्लस xy, अभी रट लीजिए आप, अब यूँ समझिए, ठीक है 2xy इंटू xy कितना होगा, x इंटू x, एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर 2 इंटू 1 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके सेम आएगा 2y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा होगा तो आपका जो मिडिल टर्म स्प्लिट करना है ये बिल्कुल सही सही है, अगर नहीं अगर ऐसा करेंगे इससे आपका क्या होगा कि प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, दैट्स फैक्टराइज हो जाएगा, इसका एक अलग एक्सप्लेनेशन है, अभी आपको 7th क्लास में तो आपको याद करना है। ठीक है, प्लस क्या होगा 2y स्क्वायर, अगर आपको आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये x है x x कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2y प्लस xy 2y स्क्वायर क्या कॉमन होगा बताए y, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2y बचेगा, यहाँ पे भी x प्लस 2y यहाँ पे भी x प्लस 2y, अगर बात आपको समझ आ रही है तो x प्लस 2y कॉमन, यहाँ क्या बचेगा x यहाँ क्या बचेगा y, तो ये देखिए 4 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू एक्स प्लस y यह एक प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स कि हो गया फैक्टराइज। ओके उतार लीजिए, डन, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। फिर कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे a है बहुत बड़ा सा, ये क्या है बताइए 3x प्लस 2y, b क्या है 3x माइनस 2y, दैट मीन्स 3x प्लस 2y a हो गया प्लस b 3x माइनस 2y, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 3x माइनस 2y। ठीक है, अब बताइए 2y 2y कैंसिल, 3x 3x कितना हो जाएगा 6x, अब हो जाएगा 3x 3x कैंसिल। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, 3x प्लस 2y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2y, 3x 3x कैंसिल, दैट इज 6x इंटू दो 4y, दैट इज 24xy, और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में ही तो है तो ये फैक्टराइज हो गया। ठीक है, 24 इंटू एक्स इंटू वाई, ये क्या है एक प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और जो भी एक्सप्रेशन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो दैट मीन्स वो फैक्टराइज हो गया। क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है ए फोर माइनस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस वन, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, इसको आपको पहले एक ग्रुप करने की आवश्यकता है, ग्रुपिंग करने की, कि कैसे ग्रुपिंग करें कि फैक्टराइज हो जाए। तो मैं एक्सपर्ट हूँ थोड़ा, तो मुझे पता है, अगर आप भी एक्सपर्ट हैं तो आप भी जानते हैं, ए फोर और ए स्क्वायर को अगर हम ग्रुप करें और माइनस ए और माइनस वन को ग्रुप करें तो फायदा होगा। इससे क्या फायदा होगा, देखिए यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए फोर है, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा कुछ नहीं है, तो यहाँ वन छुपा हुआ है, दैट इज वन ए स्क्वायर है, तो यहाँ वन हो जाएगा। माइनस वन कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे भी वन है यहाँ भी वन है, ए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस करेंगे। अब इसको नहीं समझ पा रहे तो क्या करें, एक्सपेंड करके देखें, माइनस वन इंटू ए माइनस ए माइनस प्लस माइनस माइनस वन इंटू वन वन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं, और आप जानते हैं तो अच्छी बात है। ए स्क्वायर, अब बताए वन को लिख सकते हैं वन स्क्वायर, हमने अभी जाना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख सकते हैं इसको ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन माइनस वन ए प्लस वन। अब इसमें ए प्लस वन, इसमें भी ए प्लस वन कॉमन है, ए प्लस वन कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर इंटू ए माइनस वन, यहाँ क्या बचा वन, अब क्या हो जाएगा ए प्लस वन, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस वन, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, दोनों का प्रोडक्ट है, दैट मीन्स ये फैक्टराइज हो गया। उतार लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर क्लास सेवन के बच्चे जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं आइडेंटिटीज को, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, फैक्टराइजेशन नहीं आता उसके लिए मुश्किल है, लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए जो थोड़ा सा जानते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 ये क्या कह रहा है, x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू, तो x पे पावर 4 प्लस वन ओवर x पे पावर 4 क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपके पास किताब तो होनी ही चाहिए, x माइनस वन ओवर x 2 है, तो इस पे भी स्क्वायर कर दिए, लेफ्ट में भी और राइट में भी, इस तरह के क्वेश्चंस कर लिए इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर 4, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर वन बटे एक्स, माइनस टू स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा प्लस टू, फोर प्लस टू दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर बराबर 6। अब क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर किए इधर भी स्क्वायर किए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, आपसे हो सके तो खुद करें, ज़रूरी नहीं कि सारे आपको देखना है, मैं उन्हीं बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो जहाँ फंसे वहाँ पे वो देख लें बस। एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना हो जाएगा एक्स पे पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स पे पावर 4, 1 स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा 36, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर जाएगा, तो एक्स पे पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पे पावर 4 बराबर 36 माइनस 2, और ये कितना होगा 34, और 34 आ जाएगा, आप देख लें आंसर मैच करा के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, दो और क्वेश्चन हैं, फटाफट करके हम लोग आज के इस क्लास को करते हैं फिनिश। चलिए, उतार लिए होंगे 76 भी। अब 77 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन के लिए, 36 ए स्क्वायर इफ 36 ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4 ए स्क्वायर इज 31, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन 6a माइनस 1 ओवर 2a इज इक्वल टू व्हाट। तो बताइए 36 ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर 4a स्क्वायर 31 गिवन है, 36 को 6a का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर
टू ए का होल स्क्वायर, टू स्क्वायर फोर ए स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। अब बताइए इसको लिख सकते हैं हम लोग सिक्स ए का होल स्क्वायर प्लस वन ओवर टू ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी को बीच में लिखा है बाद में लिखे, एक ही बात है। टू ए सिक्स ए इंटू वन ओवर टू ए बराबर, अब बताइए ये ऐसा हमने लिखा तो ये वाला टर्म राइट साइड में भी लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है तो ऐसे लिखते हैं टू इंटू सिक्स ए इंटू वन ओवर टू ए, ठीक है। टू टू कैंसिल, ए कैंसिल, क्या बचेगा सिक्स, यहाँ पर भी वैसे बचेगा, लेकिन इसको लिखने का ये मकसद है कि हम इस आइडेंटिटी को हम लोग कर पाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ये होगा सिक्स ए माइनस वन ओवर टू ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा ऐसा हुआ, हमने लेफ्ट में भी ऐसा किया था राइट में भी ऐसा किया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे क्या बचा सिक्स, थर्टी वन माइनस सिक्स क्या होगा ट्वेंटी फाइव, दैट इज सिक्स ए माइनस वन ओवर टू ए इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, दैट इज प्लस माइनस फाइव। अब यूँ समझें एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 25 हो तो एक्स का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, पाँच का स्क्वायर भी 25 होगा और माइनस फाइव का स्क्वायर भी 25 होगा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लस माइनस फाइव आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप उतार लिए होंगे और समझ भी पा रहे होंगे। ये तो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और सेकंड लास्ट के बाद क्या होता है लास्ट क्वेश्चन, तो आज के सेशन के लिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ रवाना हो रहे हैं, ठीक है बाबू साहब। चलिए क्वेश्चन कह रहा है इफ एम प्लस एन इज इक्वल टू 14, if m plus n is equal to 14, mn is equal to 48, m minus n क्या होगा, ठीक कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम सीधे इसी को लिखते हैं, इधर भी स्क्वायर कर दिए इधर भी स्क्वायर कर दिए, क्या हो जाएगा m square plus 2mn plus n square, चार चौक 16, that is m square प्लस टू इंटू एम एन कितना है 48 प्लस एन स्क्वायर बराबर 16, दैट इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 16। कुछ तो गलत कर रहे हैं ना, यहाँ पे एम प्लस एन 14 है, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196 दैट इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 100। अब आप देखिए अगर मैं इसको क्या लिखूं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू एम एन, तो हमको इधर भी क्या करना पड़ेगा माइनस टू एम एन, लेफ्ट में भी माइनस टू एम एन तो राइट में भी माइनस टू एम एन, तो ये हो जाएगा एम माइनस एन का होल स्क्वायर, दैट इज 100 माइनस, और एम एन का वैल्यू हमें पता है 48, दैट इज 100 माइनस 96 4, एम माइनस एन का होल स्क्वायर क्या हो गया ये आया 4, तो एम माइनस एन बराबर तो क्या हो जाएगा एम माइनस एन 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, दैट इज प्लस माइनस 2, जो इससे पहले हमने बताया कि अगर एक्स स्क्वायर अगर 4 हो तो एक्स का कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा 2 भी और माइनस 2 भी, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो प्लस माइनस 2 आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी बातें जो हमने करी ये सारी की सारी बातें अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, और आपको जो भी डाउट है जो भी प्रॉब्लम है जो भी इशू है जो भी चैप्टर आपको चाहिए होगा जैसा भी जो भी होगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। जी।